इस बात से जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आप भी अपने आप को आजमा लें और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांच दे तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरें। पाकराम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आमीन। अपनी आंखों को खुदावंद की जुबान बंद रखेंगे, चंद बात खामोशी और संजीदगी में हम अपने लिए खुदावंद से दुआ करें। बदन के थोड़े जाने की रामत है, इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। जमीन और आसमान के खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि बाप तूने हमारे गुनाहों के लिए, हमारी मखलसी और निजात के लिए मसीह यीशु को दे दिया ताकि उसके बदन के तोड़े जाने और उसके खून बहाए जाने की वसीला से हम शिफा पाएं। मिन्नत करते हैं कि खुदावंद इस वक्त में जब हम इस रोटी में जो मसीह यीशु के बदन को तोड़े जाने की रावत है जब हम इसमें शरीक होते हैं, तो बाप तो हमें उसके कफारे और निजात के उस बड़े काम की जो उसने हमारे लिए सली पर किया उसकी कदर करना सिखा। और बाप हम अपनी ज़िंदगी में उन गुनाहों पर जो बाप ना चाहते हुए हमसे होते हैं और बाप हम सोच समझ कर करते हैं, बाप हम उन गुनाहों पर गलबा पा सके अपने रूह के वसीला से ऐसा मुमकिन करना ताकि बाप इसमें शामिल होना हमारे लिए नामुनासिब ना हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी रोटी आप तक पहुँचाई जाएगी, आप इसे अपने पास अपने सीधे हाथ में लेंगे, इसे अपने पास रखेंगे और जब सब तक ये रोटी पहुँचेगी तो आखिर में जब ऐलान होगा हम इसमें शरीक होंगे। ख्वाहिश यूँ खास है कि वो गीत गाने में इस दौरान हमारी रहनमई करें और हम सब भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए इस रोटी को हासिल करेंगे। जाए किसके पास नादार, यीशु है जिंदगी। के वास्ते यही किया करो। आए हम मिलकर इस रोटी में जो मसीह के बदन के तोड़े जाने की लामत है शरीक हों। और इस वक्त में हम दुआ करेंगे
मसीह यीशु के बहाए गए खून के लिए, जिसके वसीला से ये मुमकिन हुआ कि हम बाप के पास जा सकें। और जैसे कलाम में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं, मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने खून को बहाया, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। इस शुक्रगुजारी की दुआ में मैं दरख्वास्त है डॉक्टर कबीर साहब से कि वो इस दुआ में इस प्याला की तकदीस के लिए हमारी रहनुमाई करें। कदोस मेहरबान जे दास मारी बाप का लेकर मालिक का जो समाते तारीख मेहरबान खुदा तेरी को आप हुजूरी में आ चुके हैं खुदा, जब से आप में शरीक हैं आपने फरमाया मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही करते रहना जब तक कि मैं फिर ना आऊं। इसीलिए खुदा खुदा जब हम तेरे उस बदन के तोड़े जाने में शरीक हुए हैं मेहरबान खुदा, इसी तरह जब तेरा खून बहाया गया मेहरबान खुदा गुनाहों की माफ़ी के लिए बैलों बछड़ों बकरों का खून बहाया जाता था, लेकिन खुदा की आप इकलाम लेते तो अपना खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया और हमारे गुनाहों की अपनी सलाह की जलाई। आप खुदा हम गुनाहगार नहीं बल्कि खुदा तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं। मेहरबान खुदा आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा कर हमारा फिदिया दिया और खुदा हमें अपने उस विरासत में शामिल किया जो खुदा अजल से आपने हमारे लिए तैयार की है। मेहरबान खुदा अजल जिंदगियों को बबरकत ठहराना और मेहरबान खुदा जब हम इस प्याले में शरीक होते हैं तो इसमें शरीक होने के वसीला से बबरकत ठहरें। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के अजीम बुजुर्ग जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी प्याला भी आप तक पहुँचाया जाएगा, इसे अपने सीधे हाथ में आप अपने पास रखें और प्रशिश का गीत गाया जाएगा, इस दौरान आप इसे भी जरूर गाएं और जब सब तक ये प्याला पहुंचेगा तो उसके बाद हम सब मिलकर इसमें शामिल होंगे। यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आए मिलकर इस प्याले में जो मसीह के खून की अलामत है शामिल होगी।